अक्सर तुसी सुनिया होवेगा कि आवारा कुत्तियां दे कारण कई छोटे बच्चे अते बजुर्ग अपनी जान गवा बैठे ने जां बुरी तरह जख्मी होए ने। पर अज असीं गल करन जा रहे हां मोगा दे पिंड बबीहा भाई दी, जिथे कि इक आवारा कुत्ता पिंड विच किसी दी मौत होण उत्ते जां अंतिम संस्कार उत्ते, इत्थों तक कि उहनां दे भोग उत्ते घर जाके उहनां नाल दुख सांझा करदा है। ते इह कुत्ता अज कल मोगा जिले विच चर्चा दा विशा बनिया होया। जानकारी दिंदे होए इस पिंड गुरुद्वारा साहिब दे ग्रंथी ने दस्सिया कि यह कुत्ता आम कुत्ते दी तरह नहीं है। इस कुत्ते वालों सवेर दे समय जो गुरुद्वारा साहिब खुलता है तद यह उत्थे आके बैठ जाता है, ते जो गुरुद्वारा साहिब विच सवेर दा पाठ खत्म हो जाता है तद यह गुरुद्वारा साहिब तो चला जाता है। गर्मी पानी च भी बह जाता, नाली च भी बह जाता, कोई पानी पई कोई इन कुछ नहीं होया, ठीक आ जाने तो हूँ ये गुण है। जाने बंदा नहीं उस वे जाता जो मर गो, जो पहला जाके वो घर बह जाता। तो हूँ यदि चर्चा यह सीधा रिश्तेदार जो आते भी पुछते हैं इनू, तो फिर उन्होंने दसी भी ये बही आ छिकार से आना ठीक है यार गाने परम सत्कार योग जो साढ़े नगर पिंड बमीहा भाई विखे पिछले कई दिनों तो लेकर चर्चा चल रही है कुत्ते की। कुत्ते का पर बहुत ही वेखे होर भी अवारा कुत्ते फिरते हैं, पर जोड़ा ये कुत्ता है सारे ही कुत्तिया के नालों लहदा है, क्योंकि जो ये कुत्ता है हरेक दे किसी आम घर नहीं जाता है। सिर्फ दो घड़िया शाम को वेख्या, सुबह भी रोटी पानी जो छकता है, वैसे हरेक घर किसी नहीं जाता। साढ़े मानजोग सरपंच भाई गुरचरण सिंह जी उन्होंने बार के अगे बैठ के ना रात को दोवे परिवारों ने घरों रोटी खानी, एक नाल होर गुआंढ घर है। जो भी सुबह चार बजे बार खोलते हैं बार के बैठा हों, जो उन्हें पता लगता बार खुलता वो अंदर जाके रोटी पानी छक के वापस मुड़े आता है। उस तो उपरंत अपने गुरु घर है, जो भी ग्रंथी लगता है बार खुलता है गुरु घर आके बैठ जाता है। जो नगर के किसी तरह की कोई घटना वापरती है उन जिमें जिमें पता लगता हौली हौली उन्होंने घर चलिया जाता है, शमशान घर तक जाके उसके जो भी बंदे की किरिया होंगी वो नाल हों। जो भी अरदास बेनती करते अरदास बेनती भी गुरु घर के भी खड़ा कई बार वेख्या है, क्योंकि कुत्ते तो होर भी है पर यह कुत्ता सारे ही कुत्तों नालों अलहदा है। अख में कोई मर्जी पिंड कोई फलाना हो गया, धौका हो गया, इं हो गया, कुत्ते की देखभाल करनी बहुत वधिया है, क्योंकि जो भी कुत्ता है ना किसी को वढ़ता है ना किसी को कुछ भौंकता है, सिर्फ मस्त होकर ही बैठा रहिंदा है। जो कि असं अमृत वेले गुरु घर भी उन्हें वेखते हैं, जो कि अपना जोड़ा घर है उसके अगे जो पानी वाले आप पैर धो के जाने हैं उसके अगे बैठा हों, जो समाप्ति होंगी नतने की उस तो बाद ही चलिया जाता है संगत के नाल ही। कई बार कोई वीर भरा कह दें कुत्ता आवं जाऊँ भाई का नगर, नहीं जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। कुत्ते भी हैगा हरेक ही परमात्मा वसदा है, कोई जानवर है कोई दरख्त है अड्डो अड्डी है किस्म है, सो सच्चे पातशाह कृपा करे चढ़ती कला बख्शे करन योजे नगर के जो योजे कुत्ते हैं या होर भी है, सच्चे पातशाह सारे नगर से चढ़ती कला बख्शे करन जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी। ये जो कुत्ता यह जहाँ जो कोई मर्ग हो जाती है पहला उन्होंने घर जाके बह जाता, उन्होंने मुड़ के फिर सिरिया के जाके उसे नाल ही जाके बह जाता, उ फिर जो शिकार हो जाता बंदे आते फिर ना ही आ जाता बंदा, फिर जो गुरुद्वारे आते बंदे फिर आके बाहर चुह जाता। ये कुत्ते कोई ऐ ही है घर खड़ी का कोई बजुर्ग ही आ साढ़े कोई पिंड का जरा अं ऐ है, तो सानू हूँ पता लगे यदा पंजा छिया साल का भी ये कोई कला जाके भी अगले तो घर भी आता मर गले दे फिर जाके सीने भी बहिंदा है, फिर बंदे ना ही आता किसी ने कुछ कहता नहीं कोई करता नहीं, ये कोई कला ही है कोई खड़ी साढ़े कोई बजुर्ग ही है पिंड का कोई। ते कुत्ते दी सांभ संभाल कौन करदा जी? ए जी साउथ जी साडा गुरचरण सिंह आ साफ कर सरपंच, वो जी साउथ करदा छोटे जे हुंदे नूं वी उह ड्यूटी ड्यूटी पाउंदा रहा, हुण वी उह किसे नूं आ नूं दिंदा इहनूं इहदी करदा, उहदे घरे जा के बार च वी बहि बूह जांदा है। ये देखण च कुत्ते दी हालत थोड़ी जी जिवें बीमार जा लगदा ते ठीक नहीं गी, ते उहदा की कारण है? इह जी कुत्ता है उहदा वारा ही है, इहदे ऊं ही मतलब जा के किते बहि जांदा गिल्ले गुल्ले तां जां नाले च बहि जांदा, ਐਂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਵਕਤ? ਉਮਰ ਜੀ ਇਹਦੀ 12-13 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ
बजुर्ग जेडे अज कल चर्चा तुहाडे पिंड दा जो नगर दे विच इक कुत्ता हैगा जो कह रहे हैं भी वह जो कि तुहाडे पिंड विच मौत हो जाती है तो उहदियां अंतम क्रियावां विच साथ निभाउंदा अंतम जिहड़े हुंदियां उहदियां क्रियावां ते उत्थे ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਣੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਈ 12 ਸਾਲ, ਅਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪੱਕਾ ਨੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲਤੂ ਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ? ਅਵਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਬਹਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਗਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ